हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एंड इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स हैं, दैट एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग इन अ रिंग विद यूनिटी, एंड सेकंड इज़ एम्बेडिंग ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इन अ फील्ड। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में आज हम फर्स्ट जो है वे उसको डिस्कस करने वाले हैं, पहली थ्योरम। सेकंड थ्योरम को हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एम्बेडिंग का मतलब है कि हमने किसी एक चीज़ को दूसरे में एडजस्ट कर दिया, या हम अभी रिलेट करते हैं इसको थ्योरी से, कि अगर आपके पास रिंग आर है और उसको आप कह रहे हो कि जो रिंग आर है वो एम्बेड कर रखी है हमने, इट इज़ एम्बेडेड इन द रिंग आर डैश, एंड इफ़ आर डैश कंटेन्स अ प्रॉपर सबसेट एस सच दैट आर इज़ आइसोमॉर्फिक टू एस। यहाँ पर ये हमने ले लिया आर, एंड ये ले लिया हमने आर डैश, एंड कोई भी फंक्शन सपोज कर लेते हैं हम एफ, कुछ भी ले सकते हैं, कि जो मैप कर रहा है, f is mapping from r to r dash, and s यहाँ पर इसका कोई proper subset है। so s क्या है, proper subset है। तो अगर r जो है वो isomorphic हो जाए s पे, s से ये जो r है, if it is isomorphic to s, तब हम कहेंगे कि ये जो ring, ये जो r है, this is embedded in r dash। ओके, आई होप डेफिनेशन क्लियर है। सो इफ़ मैंने एफ़ लिया है फ्रॉम आर टू आर डैश, तो हम आर डैश को एक तरीके से एक्सटेंशन भी कह सकते हैं आर की। अब जैसा कि मैंने बोला था कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है कि एम्बेडिंग की गई है रिंग की, मतलब कि हमने इस ये जो पूरा आर था इसकी एम्बेडिंग इसी एस में ही हो गई। एस क्या था, एक सबसेट था किसका, आर डैश का। मतलब इस पूरे को, इफ़ इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू एस, तो इस पूरे को हमने जो है सिर्फ इस एस वाले एरिया में एम्बेड कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब आप खुद ही देखिए, इफ़ हमने आर को एम्बेड कर दिया इसमें, तो आर डैश क्या है, एक तरीके से इस आर के एक्सटेंशन का काम कर रहा है। ओके, so there are many procedures of embedding one ring to another, but here we shall study only two method। first क्या है, एक ring को हम embed कर रहे हैं, जैसे कि एक ये ring ले ली, इसको embed किया जा रहा है ring with unity में, मतलब ये सिर्फ ring है और ये ring with unity है, तो इसको हमने embed कर रखा है। second क्या है कि हमने integral domain को हम embed कर रहे हैं एक field में, embedding of a integral domain in a field, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ क्वेश्चन। सो ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फील्ड ऑफ क्वेश्चन, इसका मतलब कि हमने इंटीग्रल डोमेन को एम्बेड कर रखा है किसी फील्ड में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अब आ जाते हैं इस थ्योरम पे, दैट एवरी रिंग कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विद यूनिटी। हर एक रिंग को हम रिंग विद यूनिटी में एम्बेड आराम से कर सकते हैं। तो आर हमने कोई रिंग मान लिया और एक सेट कंसिडर करा है, ठीक है, तो ये जो आर डैश वाला सेट है मैंने वही बनाया हुआ है अभी जो लास्ट हमने देखा। तो इस आर डैश को हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, आर क्रॉस जेड। अब अगर ये आर क्रॉस जेड है तो किस टाइप का होगा, आर एन, मतलब इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पर ये जो दिस आर बिलोंग्स टू दिस कैपिटल आर, और ये जो एन है वो हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा होगा, मतलब स्मॉल आर जो है हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एन जो है हमारा इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके का हमने जो है सेट कंसिडर किया हुआ है। नाउ अब हम इस पर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि दो एलिमेंट्स ले लिए, आर डैश से दो एलिमेंट ले रखे हैं, एक आर एन एंड एस एम। सो आर एंड ये जो एस हैं ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से, एंड यहाँ पे जो एम एंड एन है वो हमारे इंटीजर्स से हैं, ठीक है, ये आपको नोट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं इसलिए बार बार मेंशन नहीं कर रहे। और ये जो दोनों एलिमेंट्स लिए गए हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर डैश से। अब पहला एडिशन का है, मतलब दोनों एलिमेंट्स को हमने ऐड कर दिया, तो किस तरीके से ऐड होंगे, ये आर प्लस एस, फर्स्ट मतलब रिंग का एलिमेंट रिंग से ऐड किया हुआ है, एंड इंटीजर का एलिमेंट इंटीजर से ऐड किया हुआ है, एन प्लस एम। सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन का, सो आर एन इंटू में एस एम। सो किस तरीके से, देखिए मल्टीप्लाई किया गया है, आर को एस से मल्टीप्लाई किया, आर एस, देन एन को एस से किया, एक बार इसको इससे करा, एक बार इसको इससे किया, देन थर्ड एम प्लस आर, दिस एम, ओके, दिस एम प्लस आर, आर को एक बार एस से कर रखा है, आर को फिर एक बार एम से किया है, देन सेकेंड थर्ड वन इज एस और एन, ठीक है, ये तीनों, देन कॉमा है, ओके, बीच में कॉमा नहीं है, देन कॉमा है एन एंड एम। अब देखिए
जो हम अगर पहले वाले की बात करें, एडिशन वाले की बात करते हैं, तो आर प्लस एस, ओके, आर किसका एलिमेंट था, रियल का, एस भी रियल का एलिमेंट था, तो दोनों को हमने ऐड किया, सो इट इज़ क्लोज्ड, तो आर प्लस एस भी किस में बिलोंग कर जाएगा, आर प्लस एस भी हमारा रियल आर में ही बिलोंग कर जाएगा। इन अ सेम वे, क्योंकि एन एन एम हमारे इंटीजर्स से थे एंड इट इज़ क्लोज, तो ये एन 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 प्लस एम जो है वो हमारा जेड से बिलोंग कर जाएगा, सो एन प्लस एम बिलोंग्स टू दिस, ओके, लेट मी क्लियर इट। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो देखिए आर प्लस एस, ये अगेन, अब यहाँ से यहाँ तक जो ये कॉमा लगा वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, आर का एलिमेंट होना चाहिए, और कॉमा के बाद जो एन एम है वो इंटीजर का एलिमेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यही डेफिनेशन थी ना। सो अब देखेंगे एन एंड एम, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंटीजर का एलिमेंट होना चाहिए, तो अभी भी इंटीजर का एलिमेंट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देन हम देखते हैं आर आर एस, आर एस प्लस एन एस प्लस एम आर, ओके, सो यहाँ पर R एंड S R के थे एंड M एंड N इंटीजर्स के थे, तो R और S में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्टिल जो दोनों का प्रोडक्ट है वो हमें रियल से ही मिलेगा। एंड M N और S, N और S और M और R में देखिए, क्योंकि ये जो है ये दोनों अगेन फिर किसके एलिमेंट हो जाएंगे, हमारे R के एलिमेंट हो जाएंगे। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि रिंग में, सॉरी रियल में इंटीजर्स इंक्लूडेड होते हैं, सो अगर ये सॉरी अगर ये एन एन एम इंटीजर्स हैं, सो हम इसको रियल एज अ रियल नंबर भी कंसिडर कर सकते हैं, तो ये एन एन एम का जो होगा मल्टी प्रोडक्ट वो क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, देन ये सारा जो इन सब का सम हम कर देते हैं, अगेन इट विल बी क्लोज्ड, और ये हमारा बिलोंग कर जाएगा आर से। इट कैन बी वेरीफाई इजली वेरीफाइड दैट दीज टू कम्पोजिशन आर वेल डिफाइंड इन आर डैश, तो अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हमने देखा कैसे वेल डिफाइंड है, कि जो कॉमा के पहले ये मतलब फॉर्म जो है वो ऐसी ही है दैट आर बिलोंग्स टू दिस आर एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब कि आर क्रॉस को हमने डिफाइन किया था आर क्रॉस जेड में, सो कम्पोजिशन जो है वो वेल डिफाइंड है एंड रिंग आर सॉरी आर डैश इज़ अ रिंग अंडर दीज कम्पोजिशन, ऑल्सो आर डैश इज़ अ रिंग विद यूनिटी। अब हमें इम्बेड किसे करना था, रिंग को इम्बेड करना था रिंग विद यूनिटी में, दैट मीन्स आर इज रिंग और आर डैश क्या है, रिंग विद यूनिटी, ओके, सो इफ़ इट इज़ अ रिंग विद यूनिटी, तो हमने क्या किया कि जो 0 1 था ये हमने ले लिया आर डैश से एंड हमने एक मैपिंग डिफाइन की, मैपिंग ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा था कि एफ की जो मैपिंग है वो आर से आर डैश में है, तो वही डिफाइन किया हुआ है एंड किस तरीके से डिफाइन किया है, दैट एफ ऑफ आर इज इक्वल्स टू आर जीरो फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू दिस, ओके। एंड अब हमने क्या किया, 2 एलिमेंट्स ले लिए आर के, क्योंकि हमें आइसोमॉर्फिक शो करना है, सो हमने आर के फ्रॉम डोमेन हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए ए एंड बी। अब हम इस पे फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं उनके सम पे, ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे एडिशन पे, एक बार मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई करेंगे, तो दोनों एलिमेंट्स का सम कर दिया एफ ऑफ ए प्लस बी। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जैसा हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है तो क्या होगा, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी आप फंक्शन में ले रहे हो, तो वो कॉमा के पहले आ जाएगा एज इट इज एंड सेकेंड विल बी जीरो, ओके। तो a प्लस बी लिया था तो a प्लस बी एंड ज़ीरो, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं a ज़ीरो एंड b ज़ीरो, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन a कॉमा ज़ीरो विल बी f ऑफ a, b कॉमा ज़ीरो विल बी f ऑफ b, तो देख सकते हैं कि लेकर क्या चले थे f ऑफ a प्लस बी, अब क्या प्रूव कर दिया दैट दिस इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b, होमोमॉर्फिज्म की फर्स्ट कंडीशन, मतलब अंडर एडिशन हमने प्रूव कर दिया। हम होमोमॉर्फिज्म में क्या प्रूव करते हैं कि हम इसको अलग अलग करके लिख सकें, लाइक ए प्लस बी लेते हैं तो एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्रूव कर सकें, और अगर मल्टीप्लीकेशन ले रहे हो यहाँ पे डॉट तो यहाँ पर भी डॉट आना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने दूसरा भी प्रूव किया है, ए बी है तो ए बी कॉमा ज़ीरो, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, देन दिस इज़ एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, सो वी हैव प्रूव दैट एफ इज़ होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर टू आर डैश। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज़ 1 1, क्योंकि आइसोमॉर्फिक जब हम प्रूव करते हैं तो हमें 3 कंडीशंस प्रूव करनी होती है। पहली कंडीशन है हमारे पास आइसोमॉर्फिक को प्रूव करने के लिए, दैट हमें इसको प्रूव करना है कि ये होमोमॉर्फिक है, देन वी हैव 1 1,
एंड थर्ड वी हैव ऑन टू. ओके, तो ये हमने प्रूव कर लिया है. अब आ जाते हैं वन वन पे. तो हम वन वन में क्या करते हैं कि हम जो दो एलिमेंट्स लेते हैं वो मानकर चलते हैं कि उनकी इमेज आपस में इक्वल है, और ये प्रूव कर देते हैं कि वो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं. ओके, सो दैट कि यूनिक इमेज एग्जिस्ट कर रही है एलिमेंट्स की. तो हमने ये लेकर चल, ए कॉमा जीरो इज इक्वल्स टू बी कॉमा जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी. एंड थर्ड इसी तरीके से हम ऑन टू के लिए भी प्रूव कर देंगे. एंड इसको प्रूव करने से हम क्या प्रूव कर रहे हैं, दैट आर is isomorphic to f of r, and f of r किसके अंदर contained है, r dash के अंदर contained है. means if मैं इस पर apply करते हैं तो f of r किसके equal है, r dash के equal है. so यही लिखा हुआ है that f of r is contained in r dash, consequently r is embedded in r dash which has 0 1 as its unity, hence the theorem. ऑन टू के लिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है. ऑन टू में सिंपली हम क्या करते हैं, जैसे कि वन वन में हमने हमारा जो एलिमेंट होता है वो डोमेन से होता है हमेशा, और ऑन टू में हम कोडोमेन से एलिमेंट लेते हैं. लाइक सपोज हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया एंड एक्स वाई कुछ भी, और हम ये प्रूव करते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट हमारा डोमेन में भी है जिसकी इमेज है ये पर्टिकुलर एलिमेंट. लाइक कि वाई सपोज करो हमने ले लिया आर डैश से. ओके, एंड वी प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर such that this f of x is equals to y. ये हम प्रूव करते हैं ऑन टू के लिए. तो तीनों कंडीशंस प्रूव करने के बाद ये जो हमारा ये आइसोमॉर्फिक प्रूव हो जाएगा. एंड यही हमें प्रूव करना था इसको एम्बेडेड कराने के लिए रिंग विद यूनिटी में, एंड हेंस द प्रूफ. सो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. सेकंड जो थ्योरम है इसकी, ये हम इंटीग्रल डोमेन को एम्बेड कर रहे हैं फील्ड में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसको. यहाँ तक आप तब तक क्लियर आउट कर लीजिए अपने सारे डाउट्स. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय.